Hello everyone, welcome to Birla International School. So let's start students, grade 3rd, subject English and worksheet 8. So very first question is, write the definition of adjectives. आपको क्या करना है? Adjective की यहाँ पे definition लिखनी है. And describe words and given examples. आपको describe भी करना है उसको, बताना भी है और एक्सप्लेन भी करना है और यहाँ पे एग्जांपल्स भी देने हैं. ठीक है, डेफिनेशन को तो यहाँ एक्सप्लेन करना है आपको और यहाँ एग्जांपल्स भी उसके लिखने हैं. सो फर्स्ट, एडजेक्टिव होता क्या है ना, व्हाट इज़ द डेफिनेशन, परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है एडजेक्टिव की. सो एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन. एडजेक्टिव क्या है बेटा, एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो क्या कर रहा है आपको, नाउन और प्रोनाउन की स्पेशलिटी बता रहा है. क्या बता रहा है? स्पेशलिटी, उसकी विशेषता बता रहा है. तो जो वर्ड्स नाउन और प्रोनाउन की स्पेशलिटी बताते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव्स बोलते हैं. फाइन, फॉर एग्जांपल, गुड, अच्छा होना, ब्यूटीफुल, सुंदर होना, स्वीट, मीठा होना, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान होना. पता है इंटेलिजेंट को अपन एक और वर्ड बोलते हैं, स्कॉलर, अ पर्सन हु इज अ ग्रेट लर्नर. ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, स्कॉलर भी बोलते हैं. तो इंटेलिजेंट मीन्स बुद्धिमानी होना, ये सब क्या है, स्पेशलिटी है. सो इट इज द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव एंड एग्जाम्पल्स ऑफ द एडजेक्टिव्स. सेकेंड, बी क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स. आपको क्या करना है, आपको इन सेंटेंसेस को रीड करना है ना, और इनको रीड करने के बाद इसके सामने जो स्पेस दिया है ना वहाँ पे आपको एडजेक्टिव्स मेंशन करना है कि कौन सी चीज़ें एडजेक्टिव्स हैं. जैसा कि प्रेजेंट इन दैम अंडरलाइनिंग द वर्ड्स एंड राइट इन स्पेस गिवन अगेंस्ट द सेंटेंस. इन सेंटेंसेस के जो एडजेक्टिव्स हैं उस पर अंडरलाइन भी करनी है और उसके सामने उसका स्पेस भी, उसको मेंशन भी करना है, लिखना भी है. फॉलो द एग्जांपल, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में फॉलो किया है, मीनाक्षी इज अ गुड गर्ल. तो गुड जो है एडजेक्टिव है, गुड पे अंडरलाइन भी हुई है और गुड भी लिखा है. ठीक है, सो फर्स्ट, माई फादर इज अ टॉल मैन. मेरे फादर क्या है, टॉल है. टॉल क्या हुई, उनकी स्पेशलिटी हो गई. तो हमने टॉल पे क्या किया, अंडरलाइन भी कर लिया, लंबे मैन है, लंबे आदमी है, और टॉल हमने यहाँ लिख भी दिया. सेकंड, शी इज एन इंटेलिजेंट लेडी. वो लेडी कैसी है, एक इंटेलिजेंट लेडी है, बुद्धिमानी लेडी है. तो इंटेलिजेंट हमने यहाँ लिख दिया और यहाँ हमने उसको अंडरलाइन कर दिया. क्लियर. नेक्स्ट, थर्ड, दे आर एक्सपर्ट मैकेनिक. एक्सपर्ट है, होशियार है, किसमें, मैकेनिक्स में. मैकेनिक वे सारे मैकेनिक जो है वो एक्सपर्ट है ना. तो किस में एक्सपर्ट है, वो मैकेनिक्स में. मैकेनिक्स, मैकेनिक क्या होता है, मैकेनिक जो हमारी गाड़ियों को ठीक करता है. तो मैकेनिक क्या है, एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट. ठीक है, तो एक्सपर्ट हमारा क्या हुआ, एग्जेक्टिव, और हमने इस पर अंडरलाइन भी कर दी. फोर्थ, We are good at mathematics. हम किस में गुड हैं, मैथमेटिक्स में. तो गुड होना, अच्छा होना हमारी स्पेशलिटी हुई. तो वो किस में आया, एडजेक्टिव में. फिफ्थ, रोहित इज़ अ फैंटास्टिक बैट्समैन. रोहित क्या है, फैंटास्टिक, बहुत शानदार बैट्समैन है. तो फैंटास्टिक होना उसकी एडजेक्टिव हुआ. ठीक है. सिक्स्थ, द ताजमहल इज़ अ फेमस बिल्डिंग. ताजमहल कैसी बिल्डिंग है, फेमस बिल्डिंग है ना. तो वो नाउन और प्रोनाउन की क्या कर रहे हैं, एडजेक्टिव, स्पेशलिटी बता रहे हैं. तो फेमस होना उसकी एडजेक्टिव हुआ. ठीक है, ताजमहल का फेमस होना एडजेक्टिव हुआ. सेवेंथ, अ ब्लैक डॉग इज कमिंग. ब्लैक डॉग जो है वो आ रहा है. तो वो कैसा कलर का है, ब्लैक. तो ब्लैक जो हुआ वो एडजेक्टिव हुआ. एट, अ वाइट काऊ इज ग्रेजिंग. वाइट कलर की काऊ क्या कर रही है, ग्रेज कर रही है, चर रही है. ठीक है, तो वाइट कलर जो उसका एडजेक्टिव हुआ. सो अंडरलाइन इट एंड राइट इन फ्रंट ऑफ द सेंटेंस ऑल्सो, वाइट. नाइन्थ, एन एलिफेंट इज अ बिग एनिमल.
एलिफेंट कैसा एनिमल है? बिग, बड़ा। हम सबको कितना पसंद है ना एलिफेंट होना, देखना। तो जब भी एलिफेंट आता है हमारे रोड पे, नियरेस्ट रोड पे, तो हम लोग कितनी फटाफट से देखने जाते हैं ना, सारे बच्चे कैसे करते हो, एलिफेंट आया, एलिफेंट आया, है ना। तो एलिफेंट क्या है? बिग है, इसलिए हमको उसको देखना बड़ा पसंद है। सो बिग इज द एग्जेक्टिव। टेंथ, ही इज लेट टूडे। वो आज क्या हो गया है? लेट हो गया है। सो लेट मीन्स एग्जेक्टिव, देर से आया है वो, देर से हो गया है, देर हो गई है उसको। इलेवेंथ, मिल्क इज स्वीट इन टेस्ट। मिल्क कैसा है टेस्ट में? स्वीट है, मीठा है। तो मीठा क्या हुआ? एग्जेक्टिव। ट्वेल्थ, चिलीज आर पंजेंट इन टेस्ट। चिलीज क्या है? पंजेंट है। पंजेंट मीन्स क्या होता है? पंजेंट मीन्स होता है तीखा। तो चिलीज क्या है? पंजेंट है। पंजेंट जिस मीन्स तीखी है टेस्ट में, मिर्ची लग रही है हमको, है ना। ऐसा बोलते हैं ना चिलीज खा के, ओ मिर्ची लग रही है। तो मिर्ची वाले को क्या बोलते हैं? तीखा, इसमें मिर्ची है, तीखा है, इसको क्या बोलते हैं हम? पंजेंट। ओके। थर्टीन, पेंसिल्स आर लॉन्गर देन पेंस। पेंसिल क्या है? लॉन्गर है, लंबी है, कंपेरेटिव टू पेंस। तो लॉन्गर क्या हुआ? एग्जेक्टिव। फोर्टीन, ही इज माय डियर फ्रेंड। वो क्या है? माय, मेरा, और डियर फ्रेंड है। तो माय और डियर क्या हुआ इसमें? एग्जेक्टिव, माय डियर। ठीक है, मेरा प्रिय मित्र है वो, माय डियर। 15. दिस इज अ यूजफुल बुक। ये बुक कैसी है? यूजफुल है। तो उस बुक का यूजफुल होना, उपयोगी होना एग्जेक्टिव हुआ। सो अंडरलाइन ऑन यूजफुल एंड राइट द यूजफुल ऑल्सो। सो होप यू अंडरस्टैंड टूडे वर्कशीट 8 स्टूडेंट्स वॉट इज एग्जेक्टिव्स एंड एग्जाम्पल ऑफ द एग्जेक्टिव्स और हाउ कैन वी टेक एग्जेक्टिव्स फ्रॉम द सेंटेंसेज। Okay, students, have a nice day. Thank you.